नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिवाली स्पेशल में मैं आज आपके साथ कीवी की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है कीवी एवरग्रीन। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैंने इस मिठाई को बनाया है और बहुत ही फटाफट से ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस दिवाली पर इस मिठाई को ज़रूर बनाइए, और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। कीवी की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये ड्राई वाले कीवी लिए हैं। इनको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम दो तरीके से इनको कट करेंगे। कीवी यहाँ पर अब कट चुका है। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ को ये से बारीक कट किया है और थोड़े को हमने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। अब हमने यहाँ पर एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम ये एक कटोरी काजू और आधा कटोरी पिस्ता ले रहे हैं। इन दोनों को हम धीमी आंच पर हल्का सा क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये अब रोस्ट हो चुके हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। हमें यहाँ पर इनका पूरा पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही इनको हमको रखना है। ये अब क्रश हो चुके हैं। अब हम वापस उसी जार में हमने जो कीवी को रफली चॉप किया था उन कीवी को हम इसमें डालकर इनको भी हम पीस लेंगे। हमने कीवी को पीस कर एक बड़े बोल में डाल लिया है और ड्राई फ्रूट्स को हमने जो क्रश किया था उनको हमने दो जगह रखा है। एक हिस्से को हम इन कीवी में डाल देंगे और साथ ही साथ हमने जो कीवी के छोटे पीसेस कट किए थे उनको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ हम शहद ले रहे हैं। इन शहद को हम इसमें डालकर इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और डो के फॉर्म में हम इनको तैयार कर लेंगे। एक डो को जैसे हम बिल्कुल गूंथ कर तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इनको भी तैयार करेंगे। ये अब गूंथ चुके हैं तो हमने हाथों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इन्हें थोड़ा सा लंबाई में शेप देंगे। इस तरीके से हम इनको छोटे पार्ट्स लेंगे हाथों में और इनको हाथों पे हम ऐसे रोल करेंगे और इस तरीके से हम इनको अच्छे से आकार दे लेंगे। सभी को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सभी मिठाइयों को हमने आकार दे दिया है तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को पीस कर अलग रखा था उनकी हम इनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम सभी मिठाइयों को इसमें रोल करेंगे और इनके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की कोटिंग कर हम इनको तैयार कर लेंगे। कीवी की मिठाई यहाँ पर अब तैयार हो चुकी है। मैंने इसका नाम कीवी एवरग्रीन रखा है। आपको इस मिठाई के लिए और क्या नाम सही लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली का सीजन चल रहा है और दिवाली में हर घर में साफ सफाई होती है। ऐसे में अगर आपके घर के दरवाजे फर्नीचर पॉलिश किए हुए हैं और वो ख़राब हो रहे हैं, आप उन्हें वापस से पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप एक फोम लीजिए और उस फोम को आप नारियल के तेल में डुबो लीजिए। फिर आप उन फोम से अपने दरवाजे की पॉलिश कीजिए, आपके दरवाजे वापस नए जैसे हो जाएंगे। आप इस टिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।